हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्याकुलम ऑनलाइन क्लासेस। 5-10 मिनट जो रुक गया वो यहाँ से आज भाग करने का सबसे यूनिक तरीका सीख करके जाएगा। एक ऐसा तरीका जिसमें आपको पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है, यानी पहाड़े की जरूरत ही नहीं है। तो क्या है आज का ये खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट, चलिए देखते हैं। अच्छा बताइए, इस भाग को आप लोग कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर हम ऐसे 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे। देखिए, बेसिक तरीका आप लोग ऐसे करेंगे कि 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 87 से ज़्यादा ना जाए। तो आप कहेंगे सर 9 9 81 होता है, तो 9 9 कितना हो गया 81, और फिर आप लोग इसको घटा लेंगे। जब घटाएंगे 7 में 1 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। फिर अगला अंक उतारेंगे, अगला अंक 1 आएगा, फिर 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 61 से ज़्यादा ना जाए, तो कितना जाएगा 9 6 54 होता है, 6 बार चला जाएगा, 6 बार में 54 आ जाएगा। घटा लेंगे, 11 में 4 जाएगा 7 बचेगा, 5 में 5 जाएगा कुछ नहीं बचेगा। आगे बढ़ेंगे, 2 को उतारेंगे तो 9 8 कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, और इस तरह से कुछ नहीं बचेगा। और आगे बढ़ेंगे तो 4 को उतार लेंगे, जैसे ही 4 को उतारेंगे भाग जाएगा नहीं तो भाग ना खाई बिंदी लिखेंगे, और आपका जवाब होगा कि सर 9680 भागफल आएगा और 4 आ गया शेषफल। लेकिन मैंने कहा कि आपको पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है, ये तरीका अब आपको करना ही नहीं है, तो फिर क्या करना है? तो देखिए, अभी तक बेसिक से भाग देना मैंने आपको सिखाया है। स्टूडेंट की जिस टाइप की भी प्रॉब्लम बन सकती है, कहाँ कहाँ उसको भाग देने में दिक्कत आ सकती है, हर टाइप का भाग मैंने पढ़ा दिया है। पूरी भाग की प्लेलिस्ट बनी हुई है, जिसने नहीं देखा है आराम से अपना मनचाहा भाग देख सकता है। अब बारी है ट्रिक्स की। तो इस कड़ी में आज हम लोग सीखने वाले हैं ये 9 का कॉन्सेप्ट, कैसे हम 9 से किसी भी चीज को भाग देंगे और एक बार भी पहाड़ा पढ़ना ही नहीं है। यानी अगर 9 से अगर भाग देना आ जाता है ना तो बहुत आसान है। कैसे? देखिए, जैसे सबसे पहले मैं आपसे कहूं कि अच्छा बताइए 9 का भाग अगर 31 में देना है तो कितनी बार, तो आपका जवाब होगा सर 9 3 होता है 27, शेष बचा 4। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर आपको करना क्या है, 31 में भाग देना था ना, तो देखना जरा यहाँ आपको करना क्या है। यहाँ से भाग हमेशा इधर से इधर की ओर देते हैं, तो भाग आग नहीं देना है। क्या करना है, पहला अंक लिखना है, पहला अंक लिख लिया 3। ठीक, इसके बाद आगे बढ़े, तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे आगे के नंबर को जोड़ते जाएंगे, तो 3 कितना हुआ 4। और 4 को ध्यान रखिएगा, 4 को कैसे लिखेंगे, इस एक अंक को छोड़ के 4 को लिखेंगे यहाँ, यहाँ लिखेंगे 0। इसके बाद यहाँ से हम लोग एक लाइन खींचते हैं, ठीक है, इन दोनों को हम लोग जोड़ करके लिख देते हैं, यानी 0 और 4, 0 4 जोड़ा तो क्या हुआ 4, तो इसको लिख दिया यहाँ पर। इसके बाद इसको जोड़ देंगे 3 और 0, इसको हम लोग ऐसे जोड़ेंगे 3 और 0, लास्ट में जो केवल आएगा उसको हम लोग जोड़ करके यहाँ लिखेंगे, बाकी 3 और 0 जोड़ा तो कितना आया 3। लाइन के इधर वाला जो होता है वो कहलाता है भागफल, और लाइन के इधर वाला कहलाता है शेषफल। देखिए, भागफल कितना था 3 है ना, शेषफल कितना था 4। अभी ध्यान रखिएगा, रुकिएगा, भागिएगा नहीं, बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, अब जैसे मैं यहाँ से आपसे कहूँ कि जैसे लिखा है 273 भाग दीजिए 9 का, तो आप कहेंगे सर 9 3 होता है 27, फिर 3 उतारेंगे भाग जाएगा नहीं बिंदी लगाएंगे, इसका मतलब 3 बचेगा शेष और 30 आ गया भागफल। तो मैंने कैसे बताया, मैंने ये बताया कि 273 में भाग देना है ना, तो आप क्या करेंगे, पहला अंक लिखिए, भाग हमेशा इधर से इधर की ओर चलते हुए देते हैं, इसलिए अंक पहला ये उठाएंगे, पहला उठाया 2, इसके बाद 2 उठाया, आगे सीढ़ी चढ़िए, आगे बढ़े तो 2 और 7, जैसे जैसे आगे नंबर मिलता जाएगा वैसे वैसे एक एक अंक को जोड़ते जाएंगे, तो 2 और 7 कितना हुआ 9, 9 हुआ, तो एक अंक आता है तो हमेशा 0 9 लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर जोड़ने पे अगर मान लीजिए एक अंक आता है तो उसको 0 के साथ लिखते हैं। इसके बाद आगे बढ़े, देखिए 2 7 कितना हुआ 9, और 9 के आगे बढ़िए, इसी में बस जोड़ लिया करें, 9 3 कितना हुआ 12, तो 12 को कैसे लिखेंगे, लास्ट में जो अंक होता है ना उसी के नीचे एक अंक लिखते हैं और ऐसे जोड़ेंगे 12। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको लास्ट वाले अंक के नीचे एक अंक केवल लिखना है, बाकी के जितने अंक बचेंगे वो आगे लिखने हैं, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, कैसे जोड़ते हैं मैंने क्या बताया, इसको बीच में ऐसे एक लाइन खींच लीजिए, और जो लास्ट में आता है ना उसको आपको जोड़ करके इधर लिखना होता है, तो 2 1 कितना हुआ 3 हो गया।
ठीक है। अब इसको जोड़िए, देखिए 9 1 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 का 0 हासिल लगा 1, बस सिंपल सा जोड़ना है। 2 1 कितना हुआ, 3, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा। और यही चीज देखिए, इधर वाला जो लाइन के इधर आएगा वो होगा भागफल, और जो लाइन के इधर होगा वो होगा शेषफल। यानी 30 आपका देखिए यहाँ भागफल था, 3 क्या था शेषफल। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को जैसे करना है, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको पता है कि ये भागफल आया, ये शेषफल आया, तो देखिए जरा कैसे करेंगे। 8 7 1 2 4 था, कुछ नहीं करना है, बस पहला अंक लिखना है 8। आगे बढ़े, इससे इसको जोड़ेंगे 8 7 15, तो 15 को कैसे लिखेंगे, अब देखिए यहाँ 2 अंक आ गए, तो बस 1 अंक के नीचे ये लिख देंगे। और इसके बाद आगे बढ़े तो कुछ नहीं करना है, ये जो नीचे आ गया ना 15 आ गया, अब यहां तक तो कहानी खत्म हो गई थी, आगे बढ़ेंगे तो ये 1 जुड़ेगा, तो 15 कितना हुआ 16, तो 16 को यहां लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो 2 मिला, तो 16 2 कितना हुआ 16 ही आ चुका है, 8 7 15 16 आ चुका है, और 16 2 कितना हुआ 18, तो 18 को कहाँ लिखेंगे, 1 अंक यहाँ पर, लास्ट वाले से केवल 1 अंक लिखेंगे, बाकी जितना बचेगा वो उधर लिखेंगे 18। 18 में आगे और बढ़े, 4 बचा, तो 18 4 कितना हुआ 22। अब इन सबको आप जोड़ लीजिए, सिंपल सा जब आप जोड़ेंगे तो देख, तो हमने कहा लास्ट में लाइन लगा देते हैं, और ये जो नीचे बचता है इसको आपस में आप जोड़ के लिख देते हैं, तो 2 2 कितना हुआ 2 2 हुआ 4, तो आप लिख दीजिए 4। इसके बाद देखिए यहाँ पर 8 2 10, सिंपल सा, बस लास्ट वाली जो स्टेप होता है इसको आपको ऐसे जोड़ करके और यहाँ लिख देना है, बाकी सब सीधा सीधा सिंपल सा जो जोड़ होता है वो करना है। 8 2 कितना हुआ 10, 10 का 0 हासिल लगा 1, 6 1 7 1 कितना हुआ 8, 5 1 कितना हुआ 6, 8 1 कितना हुआ 9। मैंने क्या बोला, लाइन के इधर वाला कहलाता है भागफल, इधर वाला कहलाता है शेषफल। देखिए भागफल कितना है 9680 यहाँ पर है, और शेषफल कितना है 4। बात समझ में आ गई, चलिए कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे। देखिए यहाँ पर सिंपल सा भाग लगाना था, तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा आप सबसे पहले इधर से इधर की ओर चलेंगे, तो पहला अंक हमने पकड़ा 1 1 पकड़ लिया। इसके बाद आगे बढ़े, 1 से आगे बढ़े तो 1 2 कितना हुआ 3, 3 को कैसे लिखेंगे 0 3, ध्यान रखिएगा 1 अंक होगा तो 0 करके लिखेंगे। इसके बाद आगे बढ़े तो देखिए 3 तो हो ही चुका, 1 2 3 हो चुका, आगे बढ़े तो 3 और 4 कितना हो गया 7 हो गया, तो 7 को कैसे लिखेंगे, फिर यही 0 7, 1 अंक होगा तो 0 करके लिखेंगे। फिर आगे बढ़े तो 1 देखिए 1 2 3 4 7, और आगे बढ़े 7 5 कितना होगा 12, 1 1 अंक आपको बस 1 1 सीढ़ी आगे बढ़ते जाना है और जोड़ते जाना है, और जो आता जाए बस 1 अंक के नीचे 1 लिखना है, और जो बचेगा वो उधर साइड लिखना है था। तो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल सा इसको जोड़ते हैं, और जोड़ते कैसे हैं, लास्ट में एक लाइन खींच देते हैं, और इन दोनों को सिंपल सा जोड़ के इधर लिखते हैं, तो 2 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये जो था ना इसको सीधे सीधे जोड़ लेते हैं, 7 1 कितना हुआ 8, 3 में 0 जोड़ेंगे 3 आएगा, 1 में 0 जोड़ेंगे 1 आएगा, तो ये क्या आ गया, इधर वाला कहलाता है आपका क्या भागफल, और इधर वाला क्या कहलाता है आपका शेषफल। ठीक है, मैं वो सारी चीजें बता दूंगा जहां जहां पर आप लोगों को कहीं पर भी प्रॉब्लम भाग देने में आ सकती है। एक शिक्षक का काम यही होता है कि वो सारी स्टूडेंट की प्रॉब्लम को समझे और उसको अपने आप ही क्लियर कर दे, उसके दिमाग में कुछ भी ऐसा ना रह जाए जिससे उसको बाद में दिक्कत हो। चैनल ग्रो हो, सब्सक्राइबर बढ़ें या ना बढ़ें, इससे मुझे मैटर नहीं करता, इसलिए मैंने बोलना भी छोड़ दिया कि आप सब्सक्राइब करें लाइक करें। मेरा एम बस यही है कि अगर 10 स्टूडेंट भी जुड़ते हैं तो वो भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहें, उनको कभी आगे कोई प्रॉब्लम ना आए किसी भी क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में ऐसा क्या खास है। देखिए स्टूडेंट को यहाँ ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है कि जब हम इसको जोड़ेंगे क्या करते हैं, सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, सर हमने 3 लिखा, इसके बाद आगे बढ़े 3 और 4 जोड़ लिया, 3 4 कितना हुआ 7 हुआ, तो हम 0 7 ऐसे लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे हम तो ये हो जाएगा 3 4 7 5 12, तो 12 को हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसके बाद 12 हो गया, अब सब जोड़ लेंगे तो 3 4 7 5 12 6 18, तो 18 ये हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट को प्रॉब्लम क्या आएगी मैं बताता हूँ। देखिए जब हम लोग यहाँ से ऐसे 20 से एक लाइन खींचेंगे और लास्ट वाले जो डिजिट होते हैं इनको जोड़ करके इधर लिखना होता है, अब यहाँ पर जब हम लोग जोड़ेंगे तो 8 1 कितना होगा 9, 8 1 कितना होगा 9, तो ध्यान रखिएगा जोड़ने पे अगर 9 आ जाए तो फिर आपको यहाँ 9 नहीं लिखना है, फिर आपको लिखना है 0 और यहाँ पर एक हासिल लगा देना है। वो क्यों, क्योंकि देखिए 9 का तो पहाड़ा हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पर 9 नहीं आ सकता क्योंकि एक बार भाग चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर कभी भी जोड़ने पर अगर 9 आ जाए ना तो 9 आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि यहाँ होगा 0 और 9 आने पर यहाँ पर आपको एक
कैरी चढ़ा देना है, ठीक है। अब इसको जोड़ लीजिए, 2 1 3 1 4 और 7 1 कितना हुआ 8, और 3 में 0 जोड़ा 3। तो लाइन के इधर वाला मैंने क्या बताया, ये कहलाता है आपका भागफल। तो जब आप इसको सिंपल से भाग दे के देखेंगे ना बेसिक तरीके से, तो आपका यही भागफल आएगा। भागफल कितना आएगा 384, और शेष कुछ नहीं बचेगा, यानी शेषफल आपका आ जाएगा 0। बात समझ में आ गई। अब इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करिए और कमेंट बॉक्स में सही आंसर कमेंट करिएगा। और हाँ, बेसिक तरीके से मत करिएगा, मैंने जो तरीका सिखाया है ईमानदारी से आप लोग उसी तरीके से करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा सही आंसर को। और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मैंने एक नया चैनल, जो एकेडमी के स्टूडेंट होते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक के लिए, अभी नया चैनल बनाया है, अभी उसमें कोई वीडियोज़ अपलोड नहीं हुए हैं। तो अगर आप लोग 6 से 12 तक के बच्चे हैं तो, या फिर आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो वहाँ पर मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और टॉप लेवल तक लेकर के जाऊँगा। देखिए अभी वीडियोस नहीं पढ़े हैं, जैसे ही आप काफ़ी लोग हो जाते हैं, 500 के अप्रॉक्स हो जाते हैं, मैं वहाँ से प्रॉपर वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करूँगा और बेसिक से लेकर के बिल्कुल सारा कुछ क्लियर करूँगा, कहीं पर भी उसको ड्रॉप नहीं करूँगा, ठीक है। तो अगर आप लोग ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब कर लें और वहाँ पर बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेंगे, क्योंकि बर्डन आपका बढ़ जाएगा अगर वहाँ पर ज़्यादा वीडियोज़ पड़ गए। तो जैसे जैसे वीडियोज़ आते जाएंगे आप लोग उसको देखते जाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और कॉन्सेप्ट को लेकर के। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।